हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लड़के कौन कौन से इशारे करते हैं। तो आज के वीडियो इसी टॉपिक पे हैं, क्योंकि दोस्तों देखो, जब भी कोई इंसान प्यार में होता है, किसी को पसंद करने लगता है, तो उस इंसान से अगर उसकी बातें नहीं होती हैं तो वो बहुत से कोशिश करता है, कई तरीके अपनाता है उस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो ना उस पर ध्यान दे, उसमें इंटरेस्ट ले। तो अगर एक लड़की आपको पसंद करने लगी है तो वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से इशारे करेगी, उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो आइए वीडियो ही शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला इशारा है कि लड़की का आपके सामने ज़ोर ज़ोर से बोलना, ज़ोर ज़ोर से हंसना, एक इशारा है कि वो कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। लाइक जैसे कि आपने बहुत से एक तरह से अपने कॉलेज या स्कूल में देखा होगा कि जब एक टीचर अपनी किसी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा लाउडली बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने लगता है, ताकि सारे जो स्टूडेंट हैं, सभी बच्चे जो हैं, अपने टीचर्स पे फोकस करें, उस पर ध्यान दें, ठीक है, उनकी बातों को सुने। तो जब एक लड़की सेम आप पर ये चीज़ अप्लाई करने लगे, आप उसके आसपास रहते हो, बेशक आपकी बातचीत नहीं होती है, लेकिन वो जब आप उसके साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलती है या फिर ज़ोर ज़ोर से हंसती है, और हंसते समय वो आपको ज़रूर एक ना एक बार देखती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये उसकी तरफ से एक इशारा है कि वो आप में इंटरेस्ट लेने लगी और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। इसके अलावा अगले इशारे की बात करें, फिर देखो, कभी कभी लड़कियां जो है ना, अपने कुछ बॉडी पार्ट्स के ज़रिए भी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। अगर वो उनमें इंटरेस्टेड हैं तो ये काम करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। बॉडी पार्ट्स कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अपने हाथों के ज़रिए किसी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कैसे, जैसे आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा कि लड़की जो है लड़के को देखकर बहुत ज़्यादा अपने बालों से खेलना स्टार्ट करने लगती है, ठीक है, अपने चेहरे पर अपने उंगलियां फेरती है, या उसके सामने कोई चीज़ है, टेबल पे बैठी हुई या बुक्स वगैरह है तो उस पर उंगलियां फेरना, तो इससे ये काम अक्सर लड़की करने लगती है। इसके साथ साथ कई बार लिप्स के ज़रिए भी लड़की लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लिप्स कैसे कि एक तरह से लिप्स को बाइट करते हुए किसी लड़के को देखना, ठीक है, बार बार टंग के नीचे दबाना। तो ये कुछ ऐसे इशारे थे जिसके ज़रिए एक लड़की किसी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, बहुत से अंग होते हैं जिनका यूज़ अक्सर लड़कियां लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करती हैं। इसके अलावा दोस्तों देखो, नेक्स्ट इशारे की बात करें तो वो है आँखें। जी हाँ दोस्तों, देखो रिलेशनशिप की बात हो, प्यार की बात हो, और उसमें आँखों का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं ना कि एक रिश्ते की शुरुआत ही, प्यार की शुरुआत ही आँखों से होती है। सामने वाला इंसान आपको पसंद करता है या नहीं करता, ये चीज़ जो है आँखें जो है बहुत जल्दी बता देती हैं। तो जब एक लड़की आपको पसंद करने लगी है और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है, तो वो कई बार क्या है, वो आपको देखकर मुस्कुराएगी, ठीक है, आपको तिरछी नज़रों से देखेगी, आपको एक तरह से पल के झुकाते हुए देखेगी, ठीक है, हर तरीके से वो अपनी आँखों से आपको कुछ ना कुछ इशारे करेगी कि आप उसे देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उस पर ध्यान दो, तो भी आप समझ सकते हो कि लड़की कहीं ना कहीं आपको चाहने लगी है। इसके अलावा अगला इशारा है बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, देखो कहते हैं कि इंसान जो किसी को चाहने लगता है, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसके चाल ढाल, उसके हाव भाव पूरे प्रॉपरली बदल जाते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी हद तक चेंजेस आना शुरू हो जाता है। तो जब एक लड़की आपसे, उसकी बातचीत नहीं हो रही है लेकिन आपके सामने खड़ी है या आपके सामने चल रही है, तो उसके बैठने का तरीका बदल जाता है, ठीक है, उसके हाव भाव प्रॉपरली चेंज हो जाते हैं। जब वो आपके सामने आती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है, जैसे उसकी आँखों में, उसके चेहरे पे आपको अलग चमक दिखने लगेगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि लड़की कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।